मूवी का स्टार्ट जैक को दिखाते हुए होता है जो कि अपने घर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे उसका नेबर माइकल सेंटा ड्रेस में मिलता है। माइकल जैक को देखते ही उसे अपने घर पर क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करता है। और अब हम देखते हैं कि जैक अपने घर पर अपनी वाइफ लूसी के साथ है। उसका इस दुनिया में लूसी के अलावा कोई भी नहीं। लूसी और जैक ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है। वो लोग क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि अचानक लूसी को विंडो के बाहर बहुत ही हॉरिबल लाइट दिखाई देती है। लूसी उस लाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक को उस लाइट्स के बारे में बताती है तो जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब जैक ये ऑब्जर्व करता है कि लूसी बहुत ज्यादा डरी हुई है, उन लाइट्स को देखने के लिए अपने घर से बाहर जाता है और अपने साथ एक नाइफ भी ले लेता है। घर के बाहर उन लाइट्स को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में लूसी उसे बताती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन घर आने पर लूसी गायब होती है। लूसी को ढूंढ रहा होता है तो उसे अचानक अपने रूम से बहुत ज्यादा खौफनाक आवाजें आने लग जाती हैं। जैक परेशानी के साथ फौरन से अपने रूम में ऊपर की तरफ जाता है। रूम के बाहर से ही जैक को रूम के अंदर से लाइट्स आती महसूस होती हैं। वो फौरन डोर ओपन करके जब अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लूसी बेड पर तड़प रही होती है और उसके मुंह से कुछ लाइट्स भी निकल रही होती हैं। इसी के साथ मूवी में हमें जैक के नेबर माइकल के घर के सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्रिसमस डिनर की तैयारियां चल रही होती हैं। माइकल की फैमिली भी माइकल के साथ किचन में होती है और माइकल की फैमिली में उसकी वाइफ, एक बेटी और दो बेटे होते हैं। उसी दौरान माइकल डोरबेल सुनकर डोल की तरफ जाता है। माइकल के घर डोर पर जैक और लूसी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो यहाँ गेस्ट आए हैं। उन दोनों के ही फेस पे बहुत हॉरिबल एक्सप्रेशंस होते हैं। लूसी अंदर आकर जीसस की फोटो गिरा देती है और जिससे अब हमें स्टोरी थोड़ी सस्पिशियस लगना शुरू हो गई है। यहाँ पर हम लूसी की आईज में कुछ लाइट भी देखते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि शायद लूसी और जैक इविल स्पिरिट के कब्जे में आ गए हैं। लूसी अब किचन में जाती है, जहाँ पर माइकल की वाइफ उसे एक नाइफ देती है अनियन कट करने के लिए। यहाँ पर लूसी बहुत वियर्ड बिहेव करती है और अनियन ऐसे काट रही होती है जैसे पहली मर्तबा काट रही हो। देखकर माइकल की वाइफ थोड़ा हैरान जरूर होती है, लेकिन वो लूसी को कुछ भी नहीं कहती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल जैक को अपने घर की बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है। माइकल जैक को उस टीवी के बारे में बताता है कि वो उसको उसके डैड ने दिया था और अब वो टीवी वो अपने बेटे को देगा, यानी वो एक इनहेरिटेड टीवी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लूसी भी आ जाती है, लेकिन लूसी बहुत अजीब बिहेव करती है और किसी को भी पता चलाए बगैर वहाँ से हैमर उठा लेती है। अब क्रिसमस डिनर शुरू होता है और माइकल की फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहीं पर लूसी और जैक इस तरह बैठे होते हैं जिस तरह किसी ने उन्हें जबरदस्ती बिठाया हो। ना तो वो डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और ना ही वो किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। और यहीं पर माइकल की वाइफ, जो कि एक कैंसर पेशेंट होती है, वो सबको ये सरप्राइज देती है कि उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और वो अब अच्छी होती जा रही है। उसी दौरान जैक वहां से जा चुका होता है और लूसी अचानक उठती है और अपने हाथ में पकड़े हैमर से माइकल की वाइफ पर हमला कर देती है और उसका हेड क्रैश कर देती है। ये सीन सच में बहुत शॉकिंग है। वहां पे मौजूद सब लोग शॉक रह जाते हैं। यहाँ पर पहली मर्तबा लूसी के फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है। इसी के साथ जैक वहाँ पर स्पॉट करने लिए आता है। जैक भी लूसी की तरह बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। वहाँ मौजूद ब्लड को अपनी फिंगर से टेस्ट करता है और अब वो लॉरेंस के पास आता है, जो कि माइकल की बेटी होती है। लॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जैक लॉरेन को कहता है, ये सब हमारे बड़ों की गलतियां हैं जिन्हें हमें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर जैक लॉरेन के फेस पे लगे हुए ब्लड को भी टेस्ट करता है और माइकल की वाइफ की डेड बॉडी को भी पांव से पकड़ के वहां से ले जाता है। इसके बाद लूसी वहां से गन उठाती है और सबको गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है। लूसी माइकल और उसके छोटे बेटे को उनके रूम्स की तरफ लेकर जाती है और उन्हें उनके रूम्स में लॉक कर देती है। ये देखकर एरिक, जो कि माइकल का बड़ा बेटा होता है, जिसे बहुत जोर से शाउट करता है, जिस पर लूसी उसके हेड पर गन से हिट करती है। बहुत ही अजीब तरीके से उसका माउथ एग्जामिन करती है और फिर उसको भी रूम में लॉक कर देती है। लूसी माइकल के छोटे बेटे के कमरे में होती है, जहाँ पर वो बच्चा लूसी से पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, तो लूसी कहती है कि वो तो पहले ही डेड थी, अब इस बात के करने का कोई भी फायदा नहीं है।
उसी उस बच्चे को जो स्टोरी सुनाती है वो बहुत ज्यादा अजीब होती है। इसमें वो कहती है कि बहुत साल पहले एक फादर था और एक दिन उसने अपने घर पर गेस्ट को इनवाइट किया। वो फादर बहुत सेल्फिश था। जब उन पर कोई मुसीबत आई तो फादर ने अपने आप को चूज किया और गेस्ट का बहुत बुरा हाल किया। तब से उन गेस्ट ने बहुत इंतजार किया और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि वो गेस्ट उस फैमिली को बहुत बुरी डेथ दे सके। लूसी उस बच्चे के रूम से ही ग्लास टूल लेती है और अपने दो दांत निकालकर उस बच्चे के हाथ पर रख देती है। और अब अगर हम उस स्टोरी की बात करें जो लूसी ने उस बच्चे को सुनाई, तो मूवी में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया कि वो स्टोरी माइकल के बारे में है या उसके एल्डर्स के बारे में। यहाँ से सीन अब लॉरेन के रूम में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर लॉरेन बेड पे लेटी हुई बहुत ज्यादा डर रही होती है। लॉरेन को अचानक अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है और वो अपना फोन उठाती है और उसे कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम फौरन वहाँ से भाग जाओ। यहीं पर हम देखते हैं कि जैक उसके बेड के नीचे छुपा हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जैक को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से साउंड करता है। उस साउंड को सुनते हुए लॉरेन बेहोश हो जाती है और अब जब लॉरेन होश में आती है तो उसे एरिक की यानी अपने बड़े भाई की आवाजें आती हैं। वो एरिक की आवाज का पीछा करते हुए उसके पास जाती है। लॉरेन अब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने घर के ऊपर वाले हिस्से पे जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि टीवी वहां पर मौजूद है। इसमें से बिल्कुल वैसी ही लाइट इमिट हो रही है जैसी लूसी और जैक की आईज में से हो रही होती है। अभी लॉरेन बेचारी ये सब कुछ समझ नहीं पाती कि लूसी पीछे से अटैक कर देती है और लॉरेन एक बार फिर बेहोश हो जाती है। पर अब जब लॉरेन को होश आया है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पर है, उसके सामने उसका भाई एरिक भी बेहोश पड़ा है। और अचानक उसकी नजर जब जैक पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक के हाथ में एक गन होता है जिसे वो लॉरेन को देता है और कहता है कि तुम इस गन से अपने भाई को मार दो, अगर तुमने नहीं मारा तो इसे हम मारेंगे और जब इसे हम मारेंगे तो हम इसे बहुत बुरी मौत देंगे। इसी के साथ साथ सबसे डिस्कस्टिंग ये होता है कि लूसी लॉरेन पर अपना सलाइवा गिरा रही होती है और बहुत वियर्ड एक्ट भी कर रही होती है। यहीं पर लॉरेन कुछ सोचते हुए अपने भाई के ऊपर गन तान लेती है, लेकिन यहीं पर एरिक को होश आ जाता है और एरिक उसे मना करता है कि तुम मुझे ना मारो, मुझे तुम्हारे हाथ से मरना कबूल नहीं, इनके हाथ से मरना कबूल है। लेकिन लॉरेन फिर भी शूट कर देती है और यहीं पर एरिक का एतबार अपनी बहन से उठ जाता है और वो उससे नफरत करने लगता है। एरिक अपने आप को आजाद करवाता है और नीचे चला जाता है। नीचे जाकर जब वो अपने फादर के रूम में जाता है तो वहाँ बहुत कुछ अजीब सुनने को मिलता है। माइकल एरिक को बताता है कि जैक उसी का बेटा है जिसको उसने अपना नाम नहीं दिया था, पर शायद जैक इसी चीज का उनसे बदला ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और लूसी बुरी तरह घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां पर वही टीवी होता है जिसके अंदर से लाइट इमिट हो रही होती है। जैक और लूसी एरिक को पोजेस करने यानी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो पोजेस हो जाता है तो लूसी उसके मुंह पर अपना ब्लड फेंकती है और बहुत ही अजीब तरीके से उसे साफ करने लगती है। इसी दौरान जैक को महसूस होता है कि लॉरेन वहां से भाग गई है और ऐसा ही हुआ होता है, लॉरेन वहां से भागकर कहीं पर छुप जाती है। मूवीज के सीन दोबारा माइकल की तरफ जाते हैं। माइकल को कोई डोर के नीचे से उसके रूम की चाबी देता है। वो अपने रूम को ओपन करता है और लॉरेन को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वो दोबारा अपने रूम में जाता है और जैसे ही कर्टन हटाता है उसे विंडो के बाहर बहुत से पोजेस्ड लोग नजर आते हैं, शायद उसी ईविल पावर के कब्जे में है जिनके कब्जे में लूसी और जैक हैं। रूम से डरकर बाहर आता है तो उसका सामना उसके बेटे एरिक से होता है। एरिक की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो पट्टी भी खून से बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। ये देखना माइकल के लिए बहुत ज्यादा स्केरी होता है। यहाँ से अब दोबारा हमें लॉरेन देखने को मिलती है जिसको वो पोजेस लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको माइकल ने अपनी विंडो के बाहर से देखा था। यहाँ पर अब दोबारा हम माइकल और एरिक को देखते हैं जो कि बेसमेंट में आ चुके होते हैं। माइकल जब एरिक की पट्टी उतारता है तो उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में से वही लाइट इमिट हो रही होती है जो कि लूसी की आईज में से इमिट हो रही थी। इससे माइकल को अंदाजा हो जाता है कि उसका बेटा भी पोजेस्ड है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता एरिक अपने डैड को भी पोजेस करने के लिए उस टीवी के आगे कर देता है। माइकल चिल्लाने लगता है, लॉरेन अपने डैड की आवाज सुनती है और हिम्मत करती है और वहां से भागकर अपने घर का मेन स्विच तोड़ देती है जिससे लाइट ऑफ हो जाती है और माइकल पोजेस होने से बच जाता है। तो वो अपने बेटे का गला दबाने लगता है।
जिसे दुबाते हुए उसके मुंह में से स्पिरिट निकल जाती है, जिसका मतलब होता है कि डेविल स्पिरिट उसके अंदर से निकल गई है। लेकिन माइकल एरिक को नहीं छोड़ता और वो उसे जान से मार डालता है। और इसके बाद हम लॉरेन को दोबारा से देखते हैं, जिसको वो पोजेस्ड आदमी और लूसी दोबारा से पकड़ लेते हैं। लूसी को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दोबारा जंगल की तरफ भागकर छुपने लगती है। लेकिन लॉरेन के वुड्स में छुपने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लूसी उसे पकड़ लेती है और उसे जमीन पर लिटाकर बहुत ज्यादा मारने लगती है। और अचानक सीन में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि लॉरेन के हाथ में एक रस्सी आ जाती है, जिसे लॉरेन लूसी के गले में बांधकर उसे ट्री से लटका देती है। और जब लूसी की सांसें रुकने लगती हैं, तो वो उसे कहती है कि उसे छोड़ दे, और लॉरेन उसे जान से मार देती है। हम दोबारा माइकल को देखते हैं, जो लाइफ लिए अपने छोटे बेटे के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे जैक मिलता है। जैक उसे गन से शूट कर देता है, और सिर्फ यही नहीं, वो माइकल के हाथ से नाइफ लेकर उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिससे माइकल की डेथ हो जाती है। इतने में वहाँ लॉरेन आती है और लॉरेन अपने हाथ में गन लेकर जैक को शूट कर देती है, जिससे जैक मर जाता है। और वो अपने भाई को लेकर बाहर निकल आती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दोनों बच गए हैं। लेकिन बाहर आने पे हर जगह उसे वो इवल स्पिरिट और लाइट्स नजर आने लगती हैं, जिसका मतलब होता है कि वो भी नहीं बचेंगे। और इसी के साथ साथ उसके भाई की आंखों में भी वही लाइट होती है। और मूवी का एंड इसी क्यूरियोसिटी के साथ हो जाता है। क्योंकि स्टोरी सस्पेंस पर खत्म हो गई है, तो शायद हम इस थ्योरी पर बिलीव कर सकते हैं कि किसी ईमल स्पिरिट ने अर्थ पर हमला किया हो और वो अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं। और इस काम का आगाज उन्होंने जैक और लूसी से किया, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ हेल्दी लोग चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने माइकल की वाइफ को भी मार दिया। ये भी हो सकता है कि शायद माइकल और उसके एल्डर्स ने कुछ ईवल किया हो, जिसके नतीजे में इन लोगों को ऐसा कुछ सहना पड़ रहा हो। क्योंकि जैसा हमने देखा कि मूवी के अंदर लूसी एक स्टोरी सुनाती है जो कि उसी से रिलेटेड होती है, और वो टीवी भी इस काम में बहुत हेल्प आउट करता है। इसी के साथ अब हमारी वीडियो का एंड होता है।